राम राम दोस्तों। इंडिया दुनिया की ऐसी इकलौती कंट्री जहां पेड 87 से ज्यादा रेप और मर्डर केस देखने को मिलते हैं। दिल्ली हमारे देश की एक बेहतर कैपिटल बन पाएगी या नहीं, लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर अगर हालात वर्तमान समय जैसे रहे तो दिल्ली एक दिन हमारे देश की क्राइम कैपिटल जरूर बन सकती है। तो आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं रेप और हैरासमेंट कितने ज्यादा बढ़ने के पीछे का क्या कारण है। इन रेप और मर्डर केस और हैरासमेंट का इन सब का इतने ज्यादा बढ़ने का पहला रीजन है वो है दोस्तों हमारे देश का वीक लीगल सिस्टम एंड डिले इन जस्टिस। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ सिस्टम किसी रेप या मर्डर केस का जस्टिस 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, सच्चाई आपको पता ही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सिर्फ एक केस दर्ज होने में 240 दिन का समय लग जाता है, तो जस्टिस तो बहुत दूर की बात है, और केस दर्ज भी हो जाता है तो अपराधी को सजा मिलने में सालों लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों निर्भया रेप केस है। इस इंसिडेंट के 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद इन अपराधियों को सजा मिलती है। आज से 6 महीने पहले का ही केस देख लो दोस्तों। आपदा नाम की जिस लड़की ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े किए थे, उस लड़के का नार्को टेस्ट करवाया, उससे सच उगलवाया और सच उगलवा के फाइल में रख भी लिया, लेकिन दोस्तों अभी तक उस केस का कोई भी जस्टिस नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इंडिया में रेप और मर्डर केस हैरासमेंट के इन सब के बढ़ने का कारण हमारे देश का वीक लीगल सिस्टम भी है। इन सब के पीछे दोस्तों और सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल रीजन है वो है दोस्तों किसी लड़की का किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ प्यार करना या फिर उसके साथ फिजिकल होना। इन माय पर्सनल ओपिनियन अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ फिजिकल हो जाती है तो उस लड़की के लिए उस लड़के को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर वो लड़का उस लड़की को कितना ही टॉर्चर या परेशान क्यों ना करे। साक्षी मर्डर केस को ही देख लो दोस्तों। 1 हफ्ते से साहिल और साक्षी के बीच में लड़ाई चल रही थी, फिर भी इस वीडियो में साक्षी उसकी मर्डर से 2 मिनट पहले कितनी एक्साइटेड है साहिल से मिलने के लिए। भागते भागते साहिल से मिलने आती है और उसके 2 मिनट के बाद ही साहिल उसकी चाकू मारकर हत्या कर देता है। तो जितनी भी हिंदू लड़कियां इस वीडियो को देख रही है उनके लिए जनरल मैसेज है कि अगर आपको बॉयफ्रेंड बनाना ही है तो अपने ही धर्म का बॉयफ्रेंड बनाओ और आगे जाके उस लड़के को ही अपना सब कुछ मानो। और अगर आपको अभी भी लगता है कि प्यार में धर्म कोई माने नहीं रखता तो आप बिल्कुल गलत हो, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। प्रूफ आपके सामने है। साहिल साक्षी 1.5 साल का रिलेशनशिप, आफ्ताब श्रद्धा 3 साल का रिलेशनशिप और उसके बाद इन दोनों लड़कियों की बुरी तरह हत्या, तो कहां गया इसमें 1.5 और 3 साल का रिलेशनशिप का प्यार। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इन रिलेशनशिप में लव जिहाद का एंगल निकल कर आता है। बाकी अगर मेरी राय में अगर कोई मेरे से पूछता है कि किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार होना चाहिए या नहीं, तो नहीं होना चाहिए। इन सब के पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है दोस्तों हमारे देश में लैक ऑफ एजुकेशन या इलिटरेसी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग में अपने ही फीमेल फैमिली मेंबर का मर्डर कर देते हैं। एग्जांपल के लिए 3 वीक पहले की ही बात है दोस्तों, एक 12 साल की लड़की का उसके 30 साल के भाई के द्वारा मर्डर कर दिया गया। और इसके पीछे का कारण था दोस्तों कि उसकी 12 साल की बहन का फर्स्ट टाइम पीरियड था और उसके भाई को लगा था कि उसकी बहन किसी लड़के के साथ फिजिकल होकर आई है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर उसके भाई ने उसकी बहन का कत्ल कर दिया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इंडिया में अभी भी एजुकेशन की कितनी नीड है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।